जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मेरे साथ हुआ ये कि मैंने आज सोचा था कि मैं ना आज कुछ नहीं करना, मैंने खाना नहीं बनाना, मैंने आटा नहीं गूंदना, मैंने आज ये काम नहीं करना, आज मैं बड़ी रिलैक्स हूँ। तो फिर देखिए, आइए देखिए मेरे साथ हुआ क्या, उस रिलैक्सेशन में मेरे साथ क्या हुआ। ये देखें, मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। ये देखें यार, मैंने ना ये देखें, मैंने अपने चूल्हे साफ करके ये चूल्हे साफ किए, उसके बाद ना मैंने ये देखें, फिर ये हुआ मेरे साथ। ये यहाँ पर ये मैंने दलिया बनने रखा हुआ है, ये छोटी बेटी बीमार है तो उसके लिए ना दलिया बनने के लिए रखा हुआ है। और इधर ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह बर्तनों का ढेर मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये मैंने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। ये वाला वो है ना, फिट आता है इसके ऊपर। तरीक गवाह है कि जब मैंने चूल्हा साफ करके ना दूध उबलने के लिए रखा है, दूध ने गिर कर ज़रूर फिसल गया। किचन साफ करके तकरीबन अभी 3:25 हुए हैं। मैंने किचन साफ़ करके अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। और अब ये कपड़ों का ढेर है ना, ये मैंने तय कर थोड़ा सा किया हुआ है, थोड़ा सा करने वाला है ये अब मैं आगे। जी तो किचन के सारे काम करने के बाद ना कितना आधे घंटे के अंदर मैंने वो सारा किचन साफ़ किया, बर्तन सारे धोए हैं। उसके बाद ऊपर आई, थोड़ा सा मोबाइल भी देखा, 5-7 मिनट, पता नहीं क्या आदत पड़ गया। थोड़ी देर बाद खोल के देखती हूँ, कोई सब्सक्राइबर भर तो नहीं गया। यार वो खुशी में ना भर भर निकल रहा है, भड़ भड़ बोलना था। खुशी में ना बोली जा रही हूँ, भर गया भर गया भर गया। तो अब ये मैंने काम करना है, अभी करने को मैंने कुछ नहीं करना था, आज यही मैंने सोचा हुआ था। आज मैंने खाना नहीं पकाना, खुशी में मैंने 3 बजा दिए लगा ले। अब ये मैं करूँगी, उसके बाद एक और काम है जो मैंने सोचा हुआ है, वो भी मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। होए जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद अब ये सफाई वाला मेरा सीन शुरू हो चुका है। सफाई कमरे की ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, सुकून नहीं आता। तो मैं अब बस कमरे की सफाई करूँगी जल्दी वाली। उसके बाद एक और काम मैंने सोचा हुआ है, वो मैंने करना है। चलें चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, एक काम जो ऐसा था जो मैंने करना था अपने मियाँ की हेल्प से, मैंने कहा आज मेरे साथ मिलकर करा दें। वो ये बच्चों की फूफो है ना, उन्होंने बर्तन खुद ही अंदर रख दिए थे। तो मैंने ना फिर चलो उनका शुक्रिया, मैंने ना ये सारे बर्तन ना साफ़ करके रखने थे, मैं इसलिए नहीं रख रही थी, मैंने कहा शायद कोई लग जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी। अब ये देखें, मैंने सारे बर्तन साफ़ करके ना इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं, मेरे जहेज़ के बर्तन। मेरे जहेज़ के बर्तन भाई बड़े प्यारे हैं मेरे, ये वाला मुझे बड़ा पसंद है। और बस यही मेरा काम था, एक ज़रा टाइम कंज्यूमिंग सब कुछ कर, सारे कामों से फारिग होने के बाद अब मैं ना फ्रेश होके अपने ना अबू के घर जा रही हूँ, अपने अबू को देखने के लिए। और मैंने अपने मियाँ से कहा कि बैठ बैठ के डेंगी डेंगी ना करें प्लीज़, और ना अनार के दाने निकाल के रखें, तो आके फिर मैं आपको ना जूस बना के देती हूँ। तो चलें चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने अपने मियाँ से कहा ज़रा ना अनार के दाने निकाल के रखें, और ये देखें निकालने नहीं आ रहे, पहली दफ़ा कर रहे हैं ना बेचारे। कहते हैं अनार के दाने निकालने तो बहुत मुश्किल है, एक एक दाना करके निकालना पड़ेगा। अब बस मैं जा रही हूँ, 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं बस आ जाऊँगी मैं अब्बू के घर से, जब ये नाने अनार के दाने निकाल के रखेंगे ना,
ये ना अनार का शरबत है जो मैंने बना के अपने ना दे दिया, दाने तो मैंने उनसे ही निकलवाए थे, और ये अनार का शरबत है जो बन गया। अब ये खुद भी पियेंगे, मैं भी पीऊंगी जी। तो अब हम बाहर निकलने लगे हैं और इधर देखें क्या हो रहा है। बाहर कहाँ जाने लगे हैं, बाहर ज़रा काम है, राइमा को डॉक्टर पे लेके जाना है, और उसके बाद ना एक और काम है वो करना है। और ये देखें बच्चों की तैयारी चल रही है, ये बच्चों की तैयारी हो रही है बाहर निकलने से पहले ना। उसके बाद आ गए जी। तो ये देखें शाम के टाइम जलेबियाँ और निकी निकी लड़ाइयाँ इनकी चल रही हैं। उज़ैफा जलेबियाँ लेके बैठा हुआ है, ये ना अपने पापा के साथ लेके आया जलेबियाँ। इसका ना जलेबियाँ खाने का बड़ा शौक है, और ये शॉपर में कम से कम मेरा ख्याल से कोई पाव जलेबियाँ होंगी, पाव थी क्या, ज़्यादा थी, पाव से भी ज़्यादा है। ये कुल्ला ही खाएगा उड़ाएगा, और ना हमें भी नहीं बिल्कुल हाल गाने दे रहा, पता नहीं इसको बड़ा मीठा खाने का शौक है। चल भाई दफा इधर आओ, दफा मुझे भी दो। बड़ी मुश्किल से निकाल के ना थोड़ी सी देता है, पता क्या कह रहा है, कहता है सारी कह रहा आप नहीं खा जानी है। ये देखें इसका दिल कट रहा, बड़ी मुश्किल से छापर निकाल के ना थोड़ी 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 निकाल के हमें दे रहा है। ये ना मेरा बच्चा बड़ा शदाई है मीठे का, ये हमें दिखाई जा रहा पर दे नहीं रहा, बस देखा दे दो, बड़ी हिम्मत करके थोड़ी सी देगा। चलो यादी ले लो, यादी इतने से मुंह में डाल दिया खुद रखे का मुँह। मीठा खाते हुए इस बच्चे की स्पीड चेक करें, ओए मुझे भी दे दो, थोड़ी थोड़ी हमें दे रहा बस। शाम के वक्त ना ये हमारे घर ऊंच आता है, हमारे गली में आता है, और ज़ैफा पागल हो जाता है। नहीं नहीं ब्राउन 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 है। हाँ जी ज़ैफा ना ये अंदर से निकल के बाहर आ जाता है इसको देखने के लिए। जी तो गाइस उज़ैफा कह रहा है जी, तो फ्रेंड्स राइमा कह रही है जी, तो गाइस ये हमारा खाना बन चुका है और ये अब हम खा रहे हैं, रात के 10 बज गए हैं, और खा के उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। जी तो रात के पौने 11 बजे ये विटामिन सी क्या कहते हैं थे ग्रेपफ्रूट विटामिन सी की तह लगाते हुए डेंगू के खौफ से। यार ये इसको खोलने का तरीका पता क्या है यार, वैसे ना लग रही बदतमीजी, लेकिन इसको खोलते हैं। जी तो मेरे डेली रूटीन के मतलब जो काम थे वो ये थे आज जो मैंने दिखाए, काफी छुपे हुए थे और काफी जो ऐसे थे जो मैंने आपके मतलब सामने किए, लेकिन किए मैंने बहुत सारे काम। और कहने को ये था कि मैंने आज कुछ नहीं करना, मैं 3 बजे तक बड़ा इजी थी कि मैंने आज खाना नहीं पकाना, मैं बड़ा रिलैक्स थी। अब ये 3 बजे से लेके 11 बज चुके हैं, मैं गन वो ना गन चक्कर के घूम चक्कर क्या बनी हुई हूँ वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और इतने काम करने के बाद मेरे मियाँ ने पता मुझे क्या कहा, तुम्हें तो लग ही नहीं रहा कोई कमज़ोरी है, ये मुझे मिली है। चले कोई बात नहीं, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। हाँ और एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।